आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया गया है, अ न्यूक्लियस एक्स ऑफ मास कैपिटल एम इनिशियली एट रेस्ट अंडरगोस अल्फा डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये रहा, द अल्फा पार्टिकल एमिटेड इन द अबव प्रोसेस इज फाउंड टू मूव इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। देन मास एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर एम एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो कहा गया है कि एक न्यूक्लियस एक्स है जिसका मास कैपिटल एम है और वो अल्फा डीके अंडरगो कर रहा है, जिसका इक्वेशन दिया गया है हमें। हम देख सकते हैं कि एक्स डीके होकर एक वाई डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है और एक अल्फा पार्टिकल बन रहा है। अब कहा गया है कि जो अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के इन्फ्लुएंस में आके एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है जिसका रेडियस आर है। और कहा गया है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आर एम एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस वाई और टोटल एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। तो पहली बात है काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं एक बार। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वाई क्या होगा? मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस वाई बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है स्मॉल एम और टोटल मास था कैपिटल एम, तो डॉटर न्यूक्लियस का मास होगा एम माइनस एम। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? यहाँ से मिल रहा है के अल्फा बाई के वाई इक्वल टू एम माइनस एम बाई एम। यह कौन सा है? अल्फा पार्टिकल बाई वाई एम माइनस एम, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो पहली बात है जो अल्फा पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उस पर एक एफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम बी स्क्वायर बाई आर। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस पर लग रहा है वो किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि होगा क्यू वी बी। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? एम वी इक्वल टू क्यू बी आर। एम वी क्या होता है? एम वी होता है मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे है तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें मिल रहा है क्यू बी आर। अब हमें पता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है p इक्वल टू टू एम के, तो यहाँ से p ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ m ऑफ अल्फा पार्टिकल k ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ से क्या मिल रहा है? k ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू p ऑफ अल्फा पार्टिकल स्क्वायर बाय टू m अल्फा पार्टिकल। p ऑफ m अल्फा पार्टिकल, p ऑफ अल्फा पार्टिकल q बी आर था, तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m था। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? k अल्फा इक्वल टू q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय टू m। अब पिछले क्वेश्चन में हमने किया था k अल्फा बाय k y इक्वल टू m माइनस m बाय m। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? k y इक्वल टू m बाय m माइनस m, k y इक्वल टू m बाय m माइनस m k अल्फा। यहाँ से क्या मिल रहा है? k y इक्वल टू m बाय m माइनस m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय m। ऐसे मिल रहा है 2 स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2 m माइनस m। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी k टोटल इक्वल टू k ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस k ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। k ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या था? k ऑफ अल्फा पार्टिकल था q स्क्वायर b स्क्वायर बाय 2m, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर by 2 small m plus ये होगा k square b square r square 2m minus m, 2 square b square by r square 2m minus m plus m by m into m minus m। ऐसे मिल रहा है m by m माइनस m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय twice m। दिस इज द k टोटल। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये देखते हैं एक बार।
तो m माइनस m इंटू आर स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम होल। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।